ये इसकी फ्रंट शेप है और ये इसकी बैक शेप है। बैक पर आपको एक कोट हैंगर के तौर पर भी स्पेस दी गई है, आप अपने कोट वगैरह इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें हेडरेस्ट की बहुत अच्छी मूवमेंट्स हैं। एक तो ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप किसी भी पॉइंट पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक ये बटन लगा हुआ है, इसको आप प्रेस करके हेडरेस्ट को फ्रंट बैक अपनी पोजिशन के हिसाब से मूव कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी है रोटेट फंक्शन भी, इसको भी आप अपनी पोजिशन के हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपकी सीटिंग हो। दूसरा, इसमें एक तो बैक केयर है, ये भी आपकी कमर के साथ ऑटोमेटिकली मूव करता है, जिस तरह आप बैठेंगे आपकी कमर के साथ अटैच हो जाता है, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। ये इसका लीवर दिया गया है और इसमें एक दूसरा लीवर भी, आप इसको रिलैक्स करके लॉक भी कर सकते हैं। ये साइड पे एक लीवर है, आप इसको पीछे लॉक कर सकते हैं रिलैक्स करके, लीवर को नीचे पुश करेंगे चेयर लॉक हो जाएगी। वापस अनलॉक करनी हो तो इसी तरह इस लीवर को आप ऊपर की तरफ प्रेस करें तो ये अनलॉक हो जाएगी। ये इसका बैक केयर है जो आपकी कमर के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। ये पीछे इसके हैंडल प्रोवाइड किया गया है, इसको आप फ्रंट की तरफ मूव करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसकी मूवमेंट रुक जाएगी। आप अपने पोजिशन के हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके आर्म रेस्ट का फंक्शन दिखाया गया है। इसके आर्म रेस्ट में भी तीन फंक्शन हैं, एक तो ये साइड पर बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे आर्म ऊपर नीचे, आप किसी भी पॉइंट पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक तो ये रोटेट फंक्शन है, जिस पोजीशन के हिसाब से आप इसको कर सकें। तीन पॉइंट्स होते हैं, तीन में से जो से जिस पॉइंट पे आप रखना चाहिए कर सकते हैं। और इसमें एक ये फ्रंट बैक मूवमेंट भी है, आप इसको फ्रंट बैक भी किसी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं।